लेकिन पिछले दो दिनों में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसके कारण कि ये जो पांचों गांव का नाम बताया था, पांचों गांव का कनेक्शन आपस में कनेक्शन टूट गया था। सारे दर्शकों ने प्रियंका को आड़ की राम राम, और लगातार एनडीआरएफ की टीम मदद कर रही है, या एनडीआरएफ की टीम है लगातार मदद कर रही है। तो टीम हमारे साथ है, उन्हें इसके साथ मिलकर हम भी गांव में गए थे और कुछ जानकारी लेके आए हैं कासिमपुर के हालात। तो अब ये जाने लग रहे हैं, कहाँ जाने लग रहे हो सर? ये जाके एक कुत्ता है बेचारा, तीन चार दिन से भूखा, उसको रोटी डाले, कल भी हम रोटी डाल के गए थे। अच्छा। हमारे को देख के भाग जाता है, लेकिन बाद में वो अपनी जगह भाग जाता है, रोटी भूखा रहता है, उसके रोटी डालने जा रहे हैं। सर मतलब पशुओं की भी, जानवरों की भी हेल्प कर रहे हो? हाँ, पशुओं की भी कर रहे हैं। मैं तो ऐसा एक्चुअली हमने परसों तीन चार गायें दो भैंस भी निकाली उनमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमारे को, सुबह लगे थे शाम तक, क्योंकि लेकिन हम सफल हुए उसमें। और ये बेजुबान जानवर है इनका, अगर ये कुत्ते जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तो कुत्ते भी भूखे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि अगर दो चार दिन में पानी कम हो जाएगा तो वापस अपने इलाके में आ जाएंगे। जान तो सब कहते हैं इंसान जान, जी 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 बिल्कुल सही बात है। देखो सर, जैसे आप लगातार पशु भी निकाल रहे हो बाहर, तो मतलब इसी में बैठा के लेके आते हो क्या? नहीं मैम, उसमें उसका प्रोसीजर अलग है। जैसे हमारी दो बोट चलती है साथ में, एक पीछे पीछे रहती है, और एक बोट पर जैसे मतलब दो पशु को बांध के गले में, जो बेल होती है उसको बेल में बांध के रस्सी बांध लेते हैं, धीरे धीरे पशु पानी में तैर लेता है साथ साथ में, धीरे धीरे उसको फिर थोड़ी सेफ जोन पर निकाल के उसके घर अपने ले जाते हैं। नाम क्या सर आपका? मेरा जी नरेंद्र सिंह। सर कहाँ से हो आप? मैं जी मैं हूँ, वैसे मैं सर्विस करता हूँ एनडीआरएफ में, 7th बटालियन बठिंडा में यूनिट है मेरी, और मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा रोहतक से, गांव का नाम है बहू अकबरपुर। हाँ जी, कबड्डी की टीम में जो शिल्लू है, हालांकि वो हमारे घरों में पड़ता है सर, वो क्योंकि हमारे खेत के पड़ोसी भी हैं, और छोटा सा खेलने लगे था, पहले खेलते थे हम खेलते, लेकिन मैं सर्विस लगने के बाद मैं भी खेलता था पहले, लेकिन सर्विस लगने के बाद मैडम मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजर्ड होने का खतरा रहता है। राम राम सर। राम राम जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है गुलबीर सिंह जी। आप कहाँ से हो सर? मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करता हूँ जी। यूपी मेरठ। हाँ जी, दौराला गाँव है मेरा। तो सर अभी कुत्तों को रोटी डाल के आओगे? हाँ जी मैम, यहाँ पर कुत्ता बैठा था लेकिन अभी वो फिलहाल यहाँ से चला गया है। तो आ जाएगा वो आगे? हाँ जी, अभी देखते हैं, आगे मिल जाता है तो वहाँ डाल के आएंगे मैम। सर आसपास में आप तो मतलब साथ में मदद कर रहे हो लोगों की, तो कितने गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं? मैम यहाँ से 7 से 8 गाँव में हम लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, 3-4 दिन से। हाँ जी, हरियाणा के, एक जो पंजाब का टच गाँव था उसमें भी हमने रेस्क्यू किया बंदों को, तो लगातार 3-4 दिन से 7-8 गाँव में रेस्क्यू कर रहे हैं। कौन कौन से गाँव आते सर? मैम गाँव का नाम तो कासिमपुर हो गया। हाँ जी, यही लोकल गांव है यहाँ के, कुदानी हो गया। हाँ जी, उदयपुर भी बता रहे हैं। हाँ जी, मतलब पूर्व माजरा था जी, पूर्व माजरा में भी था। पूर्व माजरा में हाँ भी था। तो सर कहीं पे ऐसा भी है कि मतलब जहाँ पे नुकसान हुआ हो कुछ? मैम इनकी किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ, कईयों के घरों में पानी भरा है, बुरा हाल है घरों में जाके ना। देखो सर जैसे पानी है, पानी का हालात है, तो उसको देखकर मतलब खेतीबाड़ी तो बची नहीं है, तो दिखता है इतना पानी भरा हुआ है चारों तरफ, मतलब किसी जान का भी नुकसान हुआ कहीं? नहीं, जान का नुकसान तो नहीं हुआ मैम, किसी का भी जान का नुकसान, जो बंदे फंसे थे हम डाणियों में हमने उनको रेस्क्यू कर लिया, निकाल लिया गया। हाँ जी, हाँ जी, और लगातार मतलब अब हाँ जी, जहाँ से भी हमें कॉल आता है हम तुरंत वहाँ जाके उनके मदद के लिए पहुँच जाते हैं तुरंत। सर मदद में क्या क्या पहुँचा के आते हो? मदद में उनको खाना पानी, और उनको अगर कोई वहाँ ज़्यादा पानी अकेला है तो उसको रेस्क्यू भी कर लेते हैं, वैसे दवाइयाँ भी पिला देते हैं उसके पास, ये सब मदद कर रहे हैं। तो सर फिलहाल मतलब हरियाणा और पंजाब में बाढ़ है? हाँ जी, हाँ जी। बोलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। जी मैं सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, और 7th एनडीआरएफ की एक टीम आ रखी है जो पिछले 3-4 दिनों से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के टोहाना प्रखंड के 4-5 गांव में, जैसे कि पूर्व माजरा है, हिम्मतपुरा हुआ, कासिमपुर है, और कुदनी है, इनके अलावा जो आसपास के गांव हैं उन इलाकों में लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। मैम जो कि मैंने देखा अभी कि 3-4 दिन पहले यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल स्थिति था, लेकिन पिछले 2 दिनों में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसके कारण कि ये जो पांचों गांव का नाम बताया था, पांचों गांव का कनेक्शन आपस में कनेक्शन टूट गया था। एक बोट ही सहारा है, बोट की मदद से ही हम लोगों को एक तो रेस्क्यू भी करते हैं, इवैक्यूएशन करते हैं, इनके अलावा जो खाने पीने के एसेंशियल सामान है उनको हम पहुंचाते हैं। चलो सर, ये तो है कि कम से कम मतलब उनको भूखा नहीं रहना पड़ता, पैसा नहीं लेना पड़ता। जी मैम बिल्कुल, मतलब हमें जो पाँच सभी गाँवों में हम लोग डेली सुबह से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक काम करते हैं, और जो लोगों के जो आवश्यक सामान है, जैसे कि अभी भी ये कासिमपुर में पिछले कल से देखता हूँ कि बिजली ख़राब थी, तो कल मैंने भी उसके लाइन मैन जितने उसके स्टाफ थे उसको लेके बिजली ठीक करवाया, मोटर लाया, सारी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, दवाई का हो, खाने पीने को, सारे को पहुँचाते हैं, एक जगह दूसरे जगह तक ले जाते हैं।
राम राम सर। राम राम मैडम। क्या नाम सर? मेरा नाम मैडम अमित कुमार है। आप कहाँ से हो? मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू में आप पहुंचे हो हरियाणा में? हाँ जी। तो हरियाणा के हालात कैसे बने हुए हैं सर? हालात मैडम काफ़ी क्रिटिकल हैं, लगभग सारे घरों में यहाँ पानी भर चुका है, सारे गाँव की कनेक्टिविटी जो है ख़त्म हो रखी है, तो जितना हो सकता है हम लोगों को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम हम 24 घंटे में लगभग 18 से 19 घंटे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। लगे हुए? हाँ जी, लगातार लगे हुए हैं। अगर रात को भी, बाय द वे रात को भी कोई एमरजेंसी कॉल आती है तो हम रेस्क्यू करने वहाँ पहुँचते हैं। सर मतलब कितनी बड़ी टीम है हमारी? मैम टीम 47 की होती है फिलहाल, तो एक अभी यहाँ आ रखी है टीम जिसका बेस कैंप हिम्मतपुरा गाँव में है, तो जितने बंदों की नीड होती है उतने हम आते रहते हैं और रेस्क्यू करते रहते हैं। हाँ जी, सभी गांव कवर करते रहते हैं जिसमें पानी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए मतलब हालात आपके सामने है, अभी किस प्रकार के हालात बन रहे हैं। चगरते का पानी बढ़ रहा है, बुरा हाल हो रहा है, लेकिन शुक्र यो है गांव के अंदर पानी नहीं गया, लेकिन गांव के आसपास जो घर है या खेतों में डाणी है उनमें पानी घुस चुका है, वहां से रेस्क्यू उतर के बंदे हैं या पशु है निकाल लिए गए हैं, वे लोगों की सहायता करती रहती है। और जब हमने गांव में जाकर बातचीत की गाँव वालों से तो गाँव वालों ने बताया कि NDRF की टीम लगातार हमारी मदद कर रही है। क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, जहाँ तक आप एक बार मैं दिखा देती हूँ कि ये है बाढ़ का भयंकर खौफनाक नज़ारा जो आप देख रहे हो। चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। और ये पानी 12 से 13 फुट के करीब पानी चढ़ा हुआ है, पता नहीं कब जाके ये बाढ़ ख़त्म होगी और कब लोगों को राहत मिलेगी इस चीज़ से। तो बाढ़ के बारे में हरियाणा के बहुत सारे गाँव भी प्रभावित हो गए हैं, सबसे पहले पंजाब में और पंजाब के बाद अब हरियाणा में लगातार बाढ़ बनी हुई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों की मदद करते रहें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।